वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां माइनिंग मित्र का आज लोकार्पण हुआ। खनिजों के विभागीय पोर्टल का लोकार्पण होगा शाम 6:30 बजे। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। लोकभवन में पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां माइनिंग मित्र का आज लोकार्पण होगा। खनिजों के विभागीय पोर्टल का लोकार्पण होगा, जानकारी दे दें शाम 6:30 बजे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। ये भी आपको बता दें कि लोक भवन में पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां माइनिंग मित्र का आज लोकार्पण होगा। खनिजों के विभागीय पोर्टल का लोकार्पण होने वाला है और शाम 6:30 बजे लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जानकारी दे दे लोक भवन में पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, माइनिंग मित्र का आज लोकार्पण होगा। खनिजों के विभागीय पोर्टल का लोकार्पण होगा और शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे और लोक भवन में पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, माइनिंग मित्र का आज लोकार्पण होना है, साथ ही खनिजों के विभागीय पोर्टल का लोकार्पण होगा। शाम 6:30 बजे लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये भी आपको बता दें कि लोक भवन में पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माइनिंग मित्र का आज लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि खनिजों के विभागीय पोर्टल का भी आज लोकार्पण शाम 6:30 बजे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। लोक भवन में पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सकारात्मक भाव बनाए रखने की नसीहत देते हुए कहा कि नकारात्मक किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती है। उन्होंने विधानसभा सदस्यों को ठेके पटटे तबादला तैनाती से दूरी बनाने की सलाह दी है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने यहाँ दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान व्यवस्था और साथ ही 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि एक विधायक के रूप में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, जनता की अपेक्षाओं पर वो उतना ही खरा उतरेगा। आदरणीय आनंदी बेन जी पटेल हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करते हुए देश की पहली विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए थी, और वह एक अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। थोड़ा अभ्यास आप करेंगे, जो डिवाइस वहां लगाई गई है टैबलेट के रूप में, उतना ही सरल है जितना आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्मार्टफोन और डिवाइस का अपना इस्तेमाल न करता हो। उससे ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। और यूपी के ज्यादातर शहरों में अवैध बस टैक्सी स्टैंडों के कारण आए दिन शहर में जाम की विकट स्थिति उत्पन्न होती रहती है। उत्तर प्रदेश में अवैध बस और टैक्सी स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सख्त आदेश दिया है कि प्रदेश के किसी भी शहर में अवैध रूप से संचालित होने वाले बस और टैक्सी स्टैंड नहीं दिखने चाहिए। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि अगर 48 घंटे के भीतर राज्य भर से अवैध टैक्सी और बस स्टैंड को नहीं हटाया गया तो इलाके के थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर
अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक की थी। और वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भर के सभी जिलों से पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद थे। और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि राज्य भर के अवैध टैक्सी और बस स्टैंडों को 48 घंटे के अंदर हटा दिया जाए। तो सीएम योगी ने अवैध बस टैक्सी स्टैंड को बंद करने की हिदायत दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर यहां पर व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए। और जालौन में साइबर हैकरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। साइबर हैकरों ने डीएम तक को नहीं बख्शा है। जानकारी दे दे, साइबर हैकरों ने जिलाधिकारी प्रियंका रंजन की फोटो का गलत इस्तेमाल कर व्हाट्सएप पर अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज कर रहे हैं। और जिसके बाद डीएम प्रियंका निरंजन ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो साइबर हैकरों के हौसले उत्तर प्रदेश में बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां पर डीएम की फोटो का गलत इस्तेमाल हैकरों ने किया है और डीएम ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो साइबर हैकरों के हौसले उत्तर प्रदेश में बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां पर डीएम की फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही डीएम ने लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की अपील की है। और खबर औरैया जनपद से है, जहां पर सरकार की मंशा के अनुरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर लोगों को मोटिवेट करने की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है कि लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और जिसके लिए योगा करना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर औरैया में जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने योग शिविर में हिस्सा लिया और लोगों से हर रोज योग करने को लेकर अपील की है। और वहीं आज योग शिविर में नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सरकार की और हमारे भारत सरकार की मंशा है कि लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। उसके तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, जो हमारे भारत की पहल पे शुरू हुआ है। उसके तहत ये था कि एक महीने पहले से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि एक दिन केवल न करके 21 जून को, बल्कि एक महीना तक अभ्यास करें। उसके तहत 21 मई को इसकी शुरुआत की गई है और लोगों से, आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मैं लोगों से अपील करूंगा कि इसका अनवरत अभ्यास करें और 21 जून को इसी ग्राउंड में एक वृहत योगा दिवस का आयोजन हम लोग करें, इसमें सहभागिता करें, लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। और इसी बीच जालौन से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कार में आग लगी है। अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लगी है। आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। चालक और सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। जानकारी दे दे, कानपुर झांसी हाईवे की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको जालौन से दे रहे हैं, जहां कार में आग लग गई है। और वही कहा जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते इस कार में आग लगी है और आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। हालांकि चालक और सवारियों ने कूदकर यहां पर जान बचाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कार में आग लग गई और आग लगने से हड़कंप का माहौल यहां पर हो गया। हालांकि चालक और सवारियों ने यहाँ से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, कानपुर झांसी हाईवे की ये पूरी घटना है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अज्ञात कारणों से कार में आग लगी। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से कार में भीषण आग लगी है। हालांकि चालक और सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और अज्ञात कारणों की वजह से ये आग लगी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, धू धू कर ये कार जलती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये बड़ी जानकारी जालौन से, जहां कार में आग लगी, अज्ञात कारणों के चलते ये आग बताई जा रही है और आग लगने से हाईवे पर हड़कंप का माहौल हो गया।
हालांकि इस दौरान चालक और सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जानकारी दे दें कि कानपुर झांसी हाईवे की ये पूरी घटना है। तो जालौन से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, कार में आग लगी है, अज्ञात कारणों से चलती कार में आग लग गई है। तस्वीरें आपको भी लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चलती कार में अचानक से आग लग गई और आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। हालांकि चालक और सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचा ली। कानपुर झांसी हाईवे की ये पूरी घटना है। तो बड़ी जानकारी है जालौन से, जहां कार में आग लगी है, अज्ञात कारणों की वजह से ये कार में आग लगी है और आग लगने से इस दौरान हाईवे पर हड़कंप मच गया। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अज्ञात कारणों से इस कार में आग लगी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कार किस तरीके से धू धू कर जल रही है। हालांकि इस दौरान नुकसान की कोई खबर नहीं मिल रही है। चालक और सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचा ली। कानपुर झांसी हाईवे की ये पूरी घटना है। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रामजी व्यास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, जिस तरीके से कार में आग लगी है, क्या कुछ कारण पता चल सका है? ये मामला जनपद जालौन के थाना 8NH2 हाईवे का, जहाँ पे कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी जान उनसे बचाई। जी मैम, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन? जी मैम। चलिए, तब आप जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राम। तो जालौन से ये बड़ी जानकारी, कार में आग लगी है, अज्ञात कारणों के चलते कार में भीषण आग लग गई और आग लगने से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली सुल्तानपुर NH 128 पर ITI के पास बने फ्लावर दरार में हादसा होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को फ्लाईओवर में आई दरार के बारे में सूचना दी और वहीं DM माला श्रीवास्तव, SP श्लोक कुमार समेत जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और एहतियात के तौर पर यातायात को बंद करवा दिया गया। और वहीं जिला प्रशासन ने फ्लाईओवरों में आई दरार के बारे में NHI के अधिकारियों को सूचना दे दी है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बेयरिंग डिस्प्लेसमेंट हो गया है पुल में, तो सारे NH की टेक्निकल कंसल्टेंट की भी टीम आ गई है और जो उसको ठीक करते हैं वो भी रास्ते में है, पहुँच रहे हैं। तब तक के लिए ट्रैफिक रुकवा दिए गए हैं दोनों ही तरफ से और उनका डाइवर्जन रूट तय किया जा रहा है। और इसी बीच बलिया से जानकारी, जहाँ जनसेवा संचालक के साथ लूट हुई है, इलाज के दौरान संचालक की मौत हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, 34,000 रुपये और साथ ही बाइक और बैग बरामद की है। जानकारी दे दें, बदमाशों पर अन्य थानों में कई मामले दर्ज हैं। CO रसड़ा की टीम ने गिरफ्तार किया है। नगरा के मलब चट्टी पर बदमाशों ने लूट की। तो बलिया से बड़ी जानकारी, जनसेवा संचालक के साथ लूट की गई है, इलाज के दौरान संचालक की मौत हो गई है और पुलिस ने 3 बदमाशों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। साथ ही 34,000 रुपए और बाइक और बैग बरामद की है। बदमाशों पर अन्य थानों में कई मामले दर्ज हैं। श्री सतेंद्र कुमार चौहान जी जब अपने ढाके वकील से अपने घर लौट रहे थे तो उनके घर से लगभग 400 मीटर दूरी पर उनके 3 बदमाशों द्वारा उनकी बाइक और पैसा लूट लिया गया था। इस संबंध में उनके परिवारजनों के द्वारा ज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी और पुलिस ने तत्काल इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर इसका अनावरण करने हेतु विशेष टीम का गठन किया था। मुझे खुशी है कि CO रसड़ा के निर्देशन में जो 3 टीमें बनाई गई थी उन्होंने बहुत ही जल्दी कार्य करते हुए अपराध में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनको माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है। उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल एवं 34,000 रुपये बरामद कर लिए। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रश्न है, जो भी उसमें आएगा उसे आपको अवगत कराया जाए। और वही सहारा इंडिया कर्मचारियों ने निवेशकों के साथ SEBI के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सांसद लल्लू सिंह को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ज्ञापन में SEBI के पास सहारा का 24,000 करोड़ रुपए वापस दिलाकर लाखों निवेशकों और सहारा कार्यकर्ताओं को राहत दिलाने का आग्रह किया गया है। वहीं सांसद लल्लू सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सहारा कार्यकर्ता बीते 4.5 दशकों से अपने अपने क्षेत्रों में रेहड़ी खोमचे वालों, छोटे दुकानदारों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से धन निवेश कराकर उसमें संचय की भावना उत्पन्न करते आ रहे हैं।
सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज सहयोग दिया है और आज हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोग सहारा से भी विवाद के संबंध में अपनी जो संस्था से और सहारा से भी से जो विवाद चल रहा है उसके ज्ञापन के लिए हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोगों ने जो हमारी संस्था में 12 लाख हमारे कार्यकर्ता कर्तव्योगी कार्यकर्ता हैं और लगभग 10 करोड़ हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता हैं निवेशकर्तागण हैं, आज इन लोगों की रोजी रोटी और इन लोगों के जमाकर्ता जो जमा धन है निवेश धन है उस पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि सहारा से भी विवाद में हमारी संस्था का 25,000 करोड़ रुपए जमा है। और खबर जालौन से है जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन पर किए गए जानलेवा हमले का विरोध हुआ है, जिसमें बहुजन नायक जन्मोत्सव आयोजन संयुक्त समिति के सदस्यों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर अंबेडकर चौराहे पर जमकर धरना प्रदर्शन की और नारेबाजी की है। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों को सजा नहीं हुई तो आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। बहुजन बुद्धिजीवी प्रोफेसर्स हैं, उन पर जबरदस्ती फर्जी FIR जो दर्ज हो रही है और उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग सभी ये पैदल मार्च जो है निकाल रहे हैं। विगत देखा गया है कि हमारे 10 तारीख को डॉक्टर रविकांत चंदन जी को वहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में वहाँ घेरा गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ ही फर्जी षड्यंत्र के तहत फर्जी FIR भी दर्ज की गई। उसके 4 दिन बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी पर जानलेवा हमला हुआ करने की कोशिश की गई और उन पर भी फर्जी FIR दर्ज की। और वहीं पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी की एक संयुक्त बैठक ब्लॉक सभागार में आगामी कार्यक्रमों को लेकर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद बैठक का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और वक्ता प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी DP भारती रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। और साथ में जिला महामंत्री दिनेश पटेल ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में प्रस्तावना रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। और वहीं बैठक में अंत में अमरिया मंडल अध्यक्ष मान सिंह राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं और अतिथिगणों का धन्यवाद किया और जहानाबाद मंडल अध्यक्ष जयराम राजपूत ने बैठक के समापन की घोषणा की। जानकारी दे दी, बैठक का संचालन मंडल महामंत्री महेंद्र गंगवार ने किया और वही बैठक में अमरिया मंडल और जहानाबाद मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। और बलरामपुर में एक दुकान में रसोई सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी दे दे, एक साथ 3 रसोई के सिलेंडर और एक पेट्रोमैक्स के फटने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बलरामपुर के चौक बाजार में एक निजी दुकानदार अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये सिलेंडर फटा और दुकान के आसपास के क्षेत्रों में तबाही मच गई। वहीं मौके पर फायर सर्विस ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से 100 किलोमीटर दूरी पर जिले का मुख्य चौक बाजार स्थित है, जहां दिन में हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिले में अवैध गैस रिफिलिंग दुकानों की भरमार है। और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को झांसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर धर्म की अपनी अलग अलग भाषा होती है। ज्ञानवादी हिंदी शब्द है, हिंदी और संस्कृत सनातन धर्म की भाषा है, इसलिए जहां मस्जिद बनाई गई है वहां पर ज्ञानवापी के नाम से हिंदुओं का धार्मिक स्थल रहा होगा, क्योंकि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है। अगर मस्जिद का नाम उर्दू या अरबी में होता तो मान लेते कि फ्रेश मस्जिद बनाई गई है। उर्दू और अरबी मुसलमानों और इस्लाम की, पंजाबी सरदारों की और ईसाइयों की अंग्रेजी भाषा होती है। जो लोग अपने धार्मिक स्थल बनाते हैं वो अपनी भाषा में उसका नाम रखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमको मान्य है, लेकिन अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे लोग जानबूझकर मुसलमान भाइयों को उकसा रहे हैं। ऐसा है कि अखिलेश यादव जी महान आदमी, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। जब उनकी सरकार थी उन्होंने जिंदा लोगों के लिए काम किया नहीं, मुर्दा लोगों के लिए काम किया। 1 लाख से ज़्यादा कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई और वहाँ पर हैंडपैड लगाए।
एक कब्रिस्तान को बनाने में कम से कम 4 आवास एवरेज में बन जाते। अगर वो कब्रिस्तान बनाने के बजाय अगर आवास देते तो 4 लाख लोगों को आवास उत्तर प्रदेश में मिल जाता। एक बार हैंडपाइप जो उन्होंने कब्रिस्तान में लगाया उससे कम से कम 1 लाख लोगों को, 1 लाख हैंडपाइप पूरे प्रदेश में लग जाते, लोगों को पानी पीने के लिए मिल जाते। ये काम तो उन्होंने किया नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन था अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, वो मुर्दों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे थे। और पूरे प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों पर चल रहे बाबा के बुलडोजर का प्रभाव सोनभद्र में भी देखने को मिला है। महज 15 दिनों में अवैध अतिक्रमण पर दूसरी बार बुलडोजर चलने से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उपजिलाधिकारी दुद्धी के कार्यभार संभालने के 22 दिन के अंदर बुलडोजर चलाने की दूसरी बड़ी कार्यवाही हुई है। NCL खड़िया परियोजना के सरकारी जमीन पर वर्षों से काबिजतीन अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। जानकारी दे दें कि सपा नेता जगत नारायण चौरसिया को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता है और वो मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव रहे हैं। दुद्धी SDM शैलेंद्र मिश्रा, विपरीत क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल, शक्तिनगर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार मिश्रा और NCL के आला अधिकारियों के उपस्थिति में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई। आज ये NCL की लैंड पे जो अवैध कब्जा किया हुआ था, 3 लोगों का कब्जा था और बहुत सारे लोगों का कब्जा था, लेकिन आज ये 3 जो लोग थे इनके अवैध कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया हुआ है, जिसमें हमारे साथ CO साहब चंदेल साहब बहुत सपोर्ट किए हैं और हमारे SHO साहब मिथिलेश मिश्रा जी का खास करके मैं ये कहूँगा कि अच्छे से सारी कानून व्यवस्था मेंटेन रही, जिसके कारण बिना किसी परेशानी के डिमोलिशन जो हुआ है अवैध उसको हमने हटाया है। और ये बाकी जो अवैध कब्जेदार हैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि सरकार की मंशा यही है कि कोई भी सरकारी ज़मीन जो जनता के लिए, जनता के पर्पज़ के लिए है, जहाँ पे सरकार उनके लिए कंस्ट्रक्शन कराएगी, उस पर किसी का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये बाकी सब लोगों के लिए मैसेज है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।